छत्तीसगढ़ के धमतरी में कांग्रेस भवन में चुनाव के बाद नए पदों पर नियुक्ति की गई है। धमतरी के कांग्रेस भवन में एनएसयूआई शाले निकाय का चुनाव मताधिकार प्रक्रिया से गठन किया गया, जिसमें 21 विद्यालय से पदाधिकारी शामिल हुए, जहां 4 पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व सह सचिव पर चुनाव हुआ तथा नामांकन प्रस्तुत करने के बाद सूची जारी की गई और जिसके बाद प्रचार प्रसार करके अपने समर्थकों के साथ उन्होंने प्रचार प्रसार किया। चुनाव में 55 छात्र छात्राओं ने अपने मत अधिकार का उपयोग किया, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह को 29 वोट मिले और वो विजय हुए। अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुना गया। उपाध्यक्ष पद के लिए शेख अमील को 18 वोट से विजय किया गया। वहीं देवेंद्र साहू को 23 वोट के साथ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सचिव पद के लिए समीर रजा को चुना गया है और वहीं सह सचिव के लिए नमन बंजारे को चुना गया है, जिससे धमतरी में खुशी का माहौल देखा जा रहा है तथा वे अपने कार्यों को निर्वाह करने के लिए सभी लोग सुचारू रूप से काम करने के लिए वादे कर रहे हैं। इसके अलावा सभी नव निर्वाचित छात्रों ने विजय होने पर खुशी जाहिर की है। हम लोग मनोनीत किए थे स्कूल अध्यक्ष शहर का जो होता है, इस बार जा जा करके स्कूल का अपन मनोनीत किए हैं। उसके बाद युवाओं को छात्र संघ के माध्यम से छात्र संघ के बारे में बताने के लिए, उनका जो लीडरशिप बढ़ाने के लिए मतदान प्रक्रिया से शहर अध्यक्ष, शहर उपाध्यक्ष, शहर सचिव का चुनाव किया जा रहा है, जिसमें मेरे ख्याल से 17-18 स्कूल के विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं और वो अपना 3 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 4 सचिव और 4 सह सचिव पद पर खड़े हैं। काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्टूडेंट और उनके बीच से ही अभी चुनाव मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। मैं स्कूल श्रीनाथुराम मथुरा मानव विद्यालय से आई हूँ। अभी तक हम लोग स्कूल पे ही रहते थे, तो कल भैया लोग गए थे तो एनएस से कुछ मतलब आगे बढ़ना है और कुछ करके यहाँ देवांगन जो एनएस के नेतृत्व है। धमतरी से द न्यूज इंडिया के संवाददाता यशवंत साहू की ये थी खास रिपोर्ट।